ओ सहनावतु सहनोंन शवीर करवा करवावये तेजस्विनो अवधितमस्तु विदुष्वा वह ओम शांति 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 हेलो एवरीवन बॉन् सेल्फ संतोष चौबे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू टुडे इज फिफ्टींथ मार्च 2023 लेट्स बिगिन द क्लास चलिए हम लोग आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है इफ आई वुड से टू यू ट्रेंस आर रनिंग ऑन ट्रैक बट फ्लोटिंग इन द एयर कंप्यूटर्स आर प्रोसेसिंग विद द स्पीड ऑफ टेरा फ्लॉप एलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर बट विदाउट गेटिंग एनी रेसिस्टेंस यू मस्ट से वाट एन एमेजिंग साइंस इट इज इट अगर मैं आपसे यह कहूँ कि ट्रेन जो है वह पटरियों पर दौड़ रही है लेकिन हवा में तैरते हुए यदि मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर टेरा फ्लॉप के स्पीड से काम कर रहे हैं यदि मैं आपसे कहूं कि विद्युत धारा चालक तार से प्रवाहित हो रही है लेकिन उस चालक तार का कोई भी प्रतिरोध नहीं है तो आप कहेंगे निश्चित रूप से कहेंगे आप कि क्या अद्भुत विज्ञान है माई डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग का जो पहला टॉपिक है यह इसी अद्भुत विज्ञान के बारे में है इस अद्भुत विज्ञान का नाम है सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता अभी आप लोगों ने कल के पेपर में यह न्यूज़ पढ़ा होगा कि नेचर नाम की पत्रिका के एक लेख के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के रोकेस्टर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम है रंगा दास तो रंगा दास ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा सुपर कंडक्टर की खोज किया है जो सामान्य तापमान पर ही सुपर कंडक्टिविटी के रूप में कार्य करेगा और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर ऐसा संभव हो गया तो देखते ही देखते हमारी दुनिया बदल जाएगी आइए आज हम लोग सबसे पहले इसी पर क्वेश्चन आंसर करते हैं देखिए आज इस बार सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए वही बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता से आप क्या समझते हो देखिए मेरे पास मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाहता हालांकि मेरे पास इस अभी इस यहाँ पर बोर्ड की सुविधा नहीं है तो इस कारण से आ, मैं आपको अभी मौखिक रूप से ही पढ़ा दे रहा हूँ बाक़ी बात बहुत जल्द मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मेरे पास बोर्ड होगा और वहाँ पे मैं आपके साथ में पूरी तरीके से औपचारिक तरीके से फॉर्मल तरीके से बोर्ड पर क्वेश्चन पहले से लिख करके और उसका मैं वहाँ पे ऑप्शंस टाइप कराया रहूँगा तो आपका समय बचेगा अन्यथा हम लोग यदि यहाँ पर एम अगर मौखिक रूप से करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा इसलिए मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका कोई विकल्प अभी नहीं दे रहा हूँ सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या हो गया कि सुपर कंडक्टिविटी विटी या अति चालकता से आप क्या समझते हो तो ये देखो इसका आंसर यह है कि सुपर कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच इट लॉसेस द एबिलिटी टू रेसिस्ट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अति चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण से कोई भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है वह पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हो पाता तो मैं आपको यह बता दूं कि 1911 में एक नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे नाम था उनका क्रेमली मोन्स उन्होंने पारा लिया और पारे को उन्होंने 4.2 पॉइंट तक ठंडा किया जब उनको फोर पॉइंट तक ठंडा किया और उसमें से उन्होंने विद्युत धारा का प्रवाह किया तो उन्हया पाया कि पारे के अंदर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिरोध नहीं है और वहाँ पर इन्फाइट अर्थात अनंत धारा का प्रवाह हो रहा है और उन्होंने इसको सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालकता चालकता कहा और उस पदार्थ को उन्होंने सुपर कंडक्टर अतिचालक कह दिया आज दुनिया के तमाम वैज्ञानिक अपने अनुसंधान अपने रिसर्च के माध्यम से और इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जिस टेम्परेचर या तापमान पर कोई पदार्थ अति चालक के रूप में काम करता है टू गेट दैट टेम्परेचर इज़ इज़ ए हरकुलियन टास्क उस तापमान को प्राप्त करना एक बड़ा ही कठिन कार्य है और निश्चित रूप से विज्ञान हमेशा बेहतरी की खोज में रहता है तो दुनिया के तमाम वैज्ञानिक ऐसे दावे करते रहते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया कि उन्होंने माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर जो लेंथनम हाइड्राइट लिया है तो वह लेंथनम हाइड्राइट जो है वह माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे ही अति चालक के रूप में कार्य करना कर रहा है लेकिन उनके इस दावे से विज्ञान को बहुत फ़ायदा नहीं हो पाया कारण यह है कि वहाँ पर जो प्रेशर या दाब देना पड़ता था वह 10 लाख वायुमंडलीय दाब अर्थात वन मिलियन एटमोर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब आप वहाँ पे दाब देते तब वह अतिचालक पदार्थ के रूप में काम कर रहा था लेकिन जो रंगा दास ने जिस बात जिस जो बात कही है जो उन्होंने दावा किया है अगर हम लोग उस पर विश्वास करें तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अद्भुत दुनिया हमारे सामने प्रकट होने वाली है क्योंकि रंगा दास का कहना है कि उन्होंने नाइट्रोजन लेकर के जब उसको लुटेटियम के साथ में मिक्स कराया तो सामान्य तापमान पर लगभग एक हज़ार वायुमंडली दाब डालने पर वह सुपर कंडक्टर अर्थात अति चालक के रूप में कार्य करने लगा तो निश्चित रूप से अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि विच इज़ द मोस्ट एफिशियंट कंपाउंड इन द साइंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एज एट डिस्कवर्ड अभी तक मानव के द्वारा जो भी अति चालक पदार्थ की खोज की गई है इसमें सबसे अधिक मानव के लिए और सुविधाजनक पदार्थ कौन है तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ल्यूटेटियम का एक कम नाइट्रोजन के साथ में ल्यूटेटियम का एक कंपाउंड या उसका एक यौगिक अब यहाँ पर एक प्रश्न अगला प्रश्न बन जाता है अगला प्रश्न यह है कि वाट यू मीन बाई क्रिटिकल टेम्परेचर आप क्रांतिक तापमान से क्या समझते हो और मैं समझता हूं कि इसका आंसर आप लोगों ने समझ भी जान भी लिया होगा देखो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी पदार्थ सुपर कंडक्टर के रूप में काम तभी करता है जब उसका टेम्परेचर या तापमान बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है या हम बहुत अधिक उसके ऊपर दबाव डाल देते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बिकम्स सुपर कंडक्टर या सुपर गेट एबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर अति चालकता का गुण प्राप्त कर लेता है उस टेम्परेचर या तापमान को हम लोग क्रांतिक तापमान या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं तो यह तो आपका आज का पहला पार्ट था आइए हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं इस समय ऐसा लगता है कि जैसे कला साहित्य का समय चल रहा हो पहले अभी कुछ दिन पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड लोगों में वितरित किए गए और इसके बाद भारत की दो फिल्मों ने ऑस्कर में धमाल मचाया वह काम किया जो जिसकी भारत की को बेसब्री से इंतजार था नाटू नाटू गाने ने जो आरआर आर फिल्म है और उसने ऑरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में भारत के लिए ऑस्कर लेकर आई और एलिफेंट विस्परर को भी शॉर्ट फिल्म में पुरस्कार मिला तो यहाँ पर मैं आपको जो जिस प्रश्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका संबंध है बूकर पुरस्कार से अभी कल पेपर में आया कि भारत के एक तमिल साहित्यकार हैं जिनका नाम है पेरुमल मुर्गन तो पेरुमल मुर्गन साहब को बूकर अवार्ड के लिए लॉन्ग लिस्ट किया जा चुका है लॉन्ग लिस्ट का मतलब देखो क्या होता है कि पहले जब कोई पुरस्कार दिए जाने की बात होती है तो बहुत सारे लोगों की वहाँ पर सूची बनाई जाती है फिर उसमें से कुछ लोगों को छाँट दिया जाता है जो लोग बचे रहते हैं उसको शॉर्ट लिस्ट कहते हैं और फिर इसके बाद जो भी संस्था होती है वह निर्णय अंतिम निर्णय तक पहुँचती है और इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को जो है वह अंतिम रूप से पुरस्कार प्राप्त होता है तो जो पेरुमल मुर्गन साहब हैं तमिल साहित्यकार हैं उनकी उनका एक उपन्यास है नोवेल है इसका नाम पायर है तो उस पायर के लिए उस उपन्यास पायर के लिए उनको लॉन्ग लिस्ट किया गया है बुकर पुरस्कार के लिए तो हम लोग का जो आज का जो दूसरा मुद्दा रहेगा वो यही मुद्दा है आइए हम लोग इस पर बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बनता है कि वाई बुकर अवार्ड इज़ कॉल्ड एज बुकर अवार्ड बुकर पुरस्कार को बुकर पुरस्कार क्यों कहा जाता है तो मैं आपको देखो बताऊं कि इन नाइनटीन देर वॉज ए कम बुक कंपनी विच नेम वाज़ मान बुकर एंड देट कंपनी स्टार्टेड टू इनक्रेज बाई गिविंग सम कैश मनी और सम कैश प्राइज टू लिटरेट जो जो साहित्यकार थे उन साहित्यकारों को उसने यह पुरस्कार देना शुरू कर दिया उन्नीस सौ उनहत्तर से और एक उस एक बुक कंपनी थी जिसका नाम था मान बुकर चूंकि उन्नीस सौ उनहत्तर में इसने ये पुरस्कार आरंभ किया इसीलिए बुकर पुरस्कार को हम लोग बुकर पुरस्कार कहते हैं और आपसे अगर पूछा जाए कि यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा नाइनटीन अर्थात उन्नीस से अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है कि जो बुकर पुरस्कार है विच फॉर विच लिटरेचर बुकर अवार्ड इज गिवेन जो बुकर पुरस्कार है यह किस प्रकार के साहित्य के लिए दिया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ अंग्रेज़ी साहित्य के लिए दिया जाता है या उस साहित्य के लिए जिसका पब्लिकेशन या प्रकाशन ब्रिटेन या आयरलैंड के किसी प्रेस में हुआ हो सिर्फ उसी को दिया जाता है बुकर पुरस्कार तो आप कहोगे कि सर जी अभी तो आपने कहा कि तमिल राइटर हैं जिन्होंने पायर नाम की किताब लिखी पायर मतलब चीता होता है तो उन्होंने ये किताब लिखी है उसके लिए उनको लॉन्ग लिस्ट किया गया है वो या कैसे संभव है देखिए जो पायर जो चिता नाम की किताब है तमिल फिल्म तमिल भाषा में हिंदी में उसको चिता कहेंगे अंग्रेजी में पायर कहते हैं तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया और इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम अनुरुद्ध वासुदेवन साहब ने किया है तो यह जब पुरस्कार मिलेगा तो मैं आपको तो बताना चाहूंगा कि यह पुरस्कार दोनों लोगों को ही प्राप्त होगा और लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है कि हाउ मच मनी इज शेयर्ड बिटवीन द राइटर एंड द ट्रांसलेटर जो लेखक और अनुवादक है इनके बीच में जो बुकर पुरस्कार है उसकी राशि का विभाजन किस प्रकार से होता है सबसे मैं पहले बता दूं कि पचास हज़ार पाउंड की राशि इस पुरस्कार में मिलती है तो यह जो पुरस्कार है यह लेखक और अनुवादक दोनों के बीच में आधा आधा बांटा जाता है अर्थात अगर ये पुरस्कार इनको मिलता है तो इसमें पच्चीस हजार पाउंड मिलेगा मुर्गल साहब को और पच्चीस हजार पाउंड मिलेगा अनुरुद्ध साहब को अगला प्रश्न इसमें यह है कि फ्रॉम विच ईयर भूकर पुरस्कार स्टार्टेड टू बी गिवन पर्सन ऑफ एनी रैल किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह पुरस्कार कब से दिया जाने लगा तो मैं आपको बता दूं कि 2014 के पहले तक यह पुरस्कार सिर्फ राष्ट्रमंडल के लेखकों को ही दिया जाता था लेकिन 2014 के बाद दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति अगर अंग्रेजी साहित्य के में यदि वह रचनाएँ करता है और अगर उसकी रचना को यहाँ पे चयनित कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को यह पुरस्कार मिल जाता है तो ये आपका आज का ये दूसरा हम लोग का टॉपिक था अब हम लोग यहाँ पे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं देखिए जो अगला टॉपिक है यह हमारे भारत से संबंधित है देखिए स्वीडन की एक संस्था है और सिपरी नाम की संस्था है उस संस्था ने एक रिपोर्ट अभी लाया है उस रिपोर्ट में उसने फिर से कहा कि भारत पिछले पाँच वर्षों से दुनिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है तो हमारा जो यह आज जो डिस्कशन का मुद्दा होगा तीसरा मुद्दा हम यही है हम लोग आई पर बात करते हैं देखो सबसे पहला तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द एक्रोनिम ऑफ सिप्री जो सिप्री है स्वीडन की संस्था इसका फुल फॉर्म क्या है तो सिपरी का देखो फुल फॉर्म है एस फोर हो गया स्टॉक होम पी फॉर हो गया सॉरी आई फॉर हो गया इंटरनेशनल पी फॉर हो गया पीस आर फॉर हो गया रिसर्च और आई फॉर हो गया इंस्टीट्यूट अर्थात हो गया स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो सिपरी का यह फुल फॉर्म है और सिपरी कि अगर हम लोग बात करें तो इसने यह अपना जो रिपोर्ट निकाला है उसमें उसने बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक या इंपोर्टर कंट्री है तो यहाँ मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ यह कि भारत के बाद दुनिया का कौन दूसरा देश है जो हथियारों का सबसे अधिक इंपोर्ट आयात करता है तो सिपरी की जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार पर सबसे नंबर आयात में सबसे नंबर एक पायदान पे भारत है नंबर दो पायदान पे है आपका सऊदी अरबिया नंबर तीन पर है कतर नंबर चार पर है ऑस्ट्रेलिया और नंबर पाँच पर है आपका चीन हालांकि अगर हम लोग पिछले वर्ष की सिर्फ बात करें तो पिछले वर्ष में वेनजवेला सॉरी यूक्रेन जो युद्ध झेल रहा है रशिया के हाथ तो वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन गया लेकिन यहाँ पर पाँच वर्षों की बात हो रही तो पाँच वर्षों का अगर औसत हम देखें तो सबसे नंबर एक पर भारत है नंबर दो पर है सऊदी अरबिया नंबर तीन पर कतर नंबर चार पर है आपका ऑस्ट्रेलिया और नंबर पाँच पर है चीन अगला यहाँ पर प्रश्न यह है कि अगर भारत हथियारों का इतना बड़ा आयात करता है तो भारत जो हथियारों का आयात कर रहा है दुनिया में हथियार जो आयात किए जाते हैं इसमें उसका परसेंटेज या प्रतिशत कितना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो दुनिया में तो मैंने आपको बताया कि ये पांच कंट्री की लिस्ट हैं जो सबसे अधिक हथियार आयात करते हैं अगर हम बात करें तो भारत अकेले दुनिया के हथियारों का लगभग ग्यारह प्रतिशत ये आयात करता है अब अगला सवाल यह है कि भारत को आयात करने वाले देश कौन हैं तो भारत को सबसे अधिक हथियारों का आयात रूस करता है दूसरे नंबर पर जो देश है वह है आपका फ्रांस और फ्रांस के बाद तीसरे नंबर पर इज़राइल है और चौथे नंबर पर देश चीन है मैं आपको बता दूं कि भारत के लगभग उनचास परसेंट जो हथियारों का आयात है वह रूस के मार्केट से होता है उनतीस परसेंट फ्रांस के मार्केट से हो रहा है चौदह परसेंट चीन के मार्केट से हो रहा है तो इस तरीके से भारत जो है हथियारों का आयात जो है वह दुनिया के जिन देशों से करता है उसमें से कुछ देश हैं जहाँ से हथियारों का आयात सबसे अधिक किया जाता है अब यहाँ पर आयात की बात हो गई तो यहाँ पर थोड़ा सा निर्यात के बारे में बात हो जानी चाहिए हालाँकि भारत का इससे संबंध तो बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी अगर हम लोग बात करें कि हथियारों का सबसे अधिक निर्यातक या इम्पोर्टर कंट्री की लिस्ट की बात की जाए तो सबसे अधिक हथियारों का निर्यात कौन करता है तो यहाँ पे नंबर एक पर जो देश है वह है आपका अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर दो पर देश है आपका रूस तो यह आपका तीसरा आपका हम, हमारा हम लोग के डिस्कशन का यह टॉपिक तीसरा नंबर टॉपिक था जो हमारा चौथा टॉपिक है यह एक वैश्विक प्रॉब्लम एक एक ग्लोबल क्राइसिस को लेकर के है अभी कल एक रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के आधार पर पिछले 140 वर्षों में जो बीता फरवरी माह था यह दुनिया का सबसे गर्म महीना रहा जैसा कि आपको जानकारी है कि यह धरती तापमान के सिकंजों में कश्ती चली जा रही है धरती का जो जर्रा जर्रा है वह बढ़ते हुए तापमान से थर्रा उठा है तो यहाँ पे सवाल कुछ सवाल बनते हैं और हम लोग इस जो हम लोग चर्चे का जो चर्चा का जो मुद्दा है इसमें हम लोग यहाँ पर चलिए कुछ बातें करते हैं देखिए सबसे पहली बात मैं बताऊँ आपको कि जो मानवीय गतिविधियाँ हैं जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है इसके कारण से धरती का जो तापमान बढ़ रहा है इस धरती के बढ़ते तापमान को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं तो मेरा आपसे सवाल है कि फू क्वाइंट द टर्म ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है इस शब्द को किस वैज्ञानिक के द्वारा गढ़ा गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है स्मिथ वॉलेस बेकर स्मिथ वॉलेस बेकर ने नाइनटीन में मानवीय गतिविधियों के कारण से बढ़ने वाले तापमान को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान का नाम दिया अब पे एक सवाल यहाँ पे आता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग या जो वैश्विक तापन है या वैश्विक तापन में कितना धरती का तापमान बढ़ा है तो पिछले साल के अगर हम लोग आईपीसीसी के रिपोर्ट की बात करें तो धरती का जो तापमान है यह पिछले एक शताब्दी में मतलब सौ साल में वन पॉइंट जीरो फोर डिग्री सेल्सियस की इसमें वृद्धि हुई है लेकिन इस वृद्धि के कारण से भी मौसम ने मिजाज को अद्भुत तरीके से बदल लिया है जहाँ पहले बारिश नहीं होती थी आज वो क्षेत्र सब बारिश में डूब रहे हैं जहाँ लोग पहले आ, पहले जो है जहाँ पे जो क्षेत्र हैं जो जिन 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 क्षेत्रों में पहले सूखे पड़ते थे आज उस क्षेत्र जो है जलोदोज हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़्रांस जैसा शहर फ्रांस जैसा देश जहाँ का पेरिस जैसा शहर जो दुनिया का स्वर्ग माना जाता है एक तरीके से 2003 में वहाँ पे लगभग चौदह हज़ार लोग हुई टिस्टों कारण से काल के काल में समा गए तो निश्चित रूप से एक भयावह स्थिति है मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस पर जो ग्लोबल वार्मिंग है इस पर रिपोर्ट जारी करने वाले जो मुख्य तरह से रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है या जो इस जो इस संस्था जो इसको इस प्रकार से स्पेसिफिक स्तर पर देख रही है उस संस्था का नाम क्या है तो मैं बताना चाहूँगा उस संस्था का नाम है आई पी सी सी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेटिक चेंज मौसम परिवर्तन पर अंतर सरकारी समूह 1988 1988 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी जब दुनिया का तापमान बढ़ने लगा तापमान नहीं बढ़ने लगा बल्कि सॉरी जब दुनिया में में समंदर के जो है जलस्तर वृद्धि होने लग गई कैटरेटा और केराबाती जैसे द्वीप डूबने लग गए तो जो जो कैटेटा द्वीप था वहाँ के लोगों के दरख्वास्त पर कि समंदर का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है इसकी जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्नीस में एक संस्था की स्थापना किया था जिस संस्था का नाम है आई पी सी सी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेटिक चेंज और इसकी जो प्रत्येक वर्ष बैठकें होती हैं इन बैठकों को हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्कॉप कहते हैं जब ग्लोबल वार्मिंग पर मैं आपको साइंस में और विस्तार से पढ़ाऊँगा आगे तो हम लोग उस पर वहाँ पर बातचीत करेंगे अब यहाँ पे हम लोगों का आज का जो मुद्दा है जो चौथा जो, जो हम लोग का ये जो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न पे अगले प्रश्न पे हम लोग यहाँ पे आते हैं और वो तो वो अगला प्रश्न यह है कि अभी भारत के एक किन, भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसने अपने विधायकों के वेतन में 66.7 परसेंट की वृद्धि कर दी तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं देखिए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न तो यह उठ खड़ा होता है कि जो सांसद हैं उनका वेतन और जो विधायकों का वेतन है इस वेतन को तय करने वाली संस्था का नाम क्या है तो यदि हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सैलरी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस आर डिटरमाइंड बाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो भारत के सांसद हैं उनका वेतन भारत के संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसी तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक सौ पंचानवे के अनुसार जो जो विधायक लोग हैं उनका वेतन भारत के विधान भारत के जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा उनका वेतन का निर्धारण किया जाता है लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और जिसके बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद दो ए ए में प्रावधान किया गया है तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यह बहुत पहले ही वहाँ की जो विधानसभा थी उसको पारित कर दिया था अभी भारत की सरकार ने राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन बना दिया हालाँकि कुछ ऐसे तो मैक्सिमम जो मुद्दे होते हैं उस पर जब वहाँ की विधानसभा उसको पारित कर देती है तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जब उस पर सिग्नेचर बना दिया जाता है तो वह कानून बन जाता है लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करके रखना होता है तो यह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित किया गया था और राष्ट्रपति ने उस पर साइन बना दिया और इस प्रकार से जो वहाँ की विधानसभा है वहाँ की विधानसभा के माध्यम से वहाँ के जो विधायक हैं उनके वेतन में सिक्सटी की वृद्धि कर दी गई है यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है क्वेश्चन यह है कि भारत के का वो कौन सा राज्य है जिस राज्य के विधायकों का वेतन सबसे अधिक है तो मैं आपका यहाँ पर टाइम नहीं लेना चाहूँगा सीधे से मैं बता दूँ कि तेलंगाना जो है इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और सबसे जो निचले पैदान पर है वह है त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा राज्य में चाहे हम लोग मजदूरी की बात करें तो वहाँ पर मजदूरी भी सबसे कम है और चाहे हम लोग बात करें अर्थव्यवस्था की बात करें एक कम्युनिस्ट बहुत लंबे समय से कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में शासित राज्य रहा है तो बड़ा ही दुख की बात मैं कहूँगा कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा शासित राज रहा लेकिन वहाँ पर मज़दूरों का जो वेतन है वो सबसे कम निर्धारित किया गया ओके okay, एवरी आज की जो आज का जो आज का जो हम लोग का ये लोग क्लास थी ये क्लास यहीं पे आपकी खत्म हो रही है मैं एक बार आप लोगों से चाहूँगा कि अपने नेत्रों को बंद करके एक बार मेरे साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का एक बार जाप कर लें ओम त्रय्यंबकम यजामहे महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाकमार मृत्युमोक्षेमृता ओ ओम शांति शांति थैंक यू एवरीवन